बीपीएससी टीआरई 3.0 में सीटेट के कितने मार्क्स होने चाहिए? अगर आप एक फीमेल हैं और आप अदर स्टेट की रहने वाली हैं और 90 से अगर कम अंक हैं तो क्या आप फार्म यहां पर भर सकती हैं या नहीं भर सकती हैं? सब कुछ यहां पर चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी इस वीडियो को देखने के बाद। आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखते रहिएगा। छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा नोट्स से रिलेटेड, फिर आते हैं इस वीडियो पर। अगर आप तैयारी शुरू कर चुके हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 की, मतलब फेज थर्ड शिक्षक भर्ती की, जिसका नोटिफिकेशन अगस्त 2024 में आ जाएगा और इसकी जो परीक्षा आपकी होगी सितंबर के अंत तक हर हाल में करवा ली जाएगी। इसमें टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और जूनियर टीचर की वैकेंसी करीब 70,000 पदों पर यहां पर रहने वाली है और पीआरटी की लगभग जो वैकेंसी होगी यहां पर 30,000 से 35,000 यहां पर रहने वाली है। तो इसके कंप्लीट नोट्स आ चुके हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसा कि हमने फेज फर्स्ट में नोट्स दिया, फेज सेकंड में नोट्स दिया और कई बच्चे नोट्स को पढ़ करके यहां पर सेलेक्ट भी हुए हैं, अच्छा स्कोर यहां पर लेकर आए हैं। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज आ चुकी है, टीआरई 3.0 के नोट्स यहां पर कंप्लीट एनसीईआरटी एसईईआरटी बेस्ड यहां पर बनवा दिए गए हैं। पीआरटी टीचर के नोट्स आप देख सकते हैं, 280 पेज के कंप्लीट नोट्स हैं। इसमें आपको सब कुछ करंट अफेयर वगैरह एग्जाम तक यहां पर मिलने वाली है और इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स को यहां पर तैयार किया गया है। इसके अलावा आप यहां पर जूनियर टीचर के नोट्स देख सकते हैं और ऐसे ही टीजीटी और पीजीटी की आपको यहां पर नोट्स मिलने वाले हैं। सबसे पहले आप नोट्स का डेमो यहां पर देख लीजिएगा, कितनी बेहतरीन तरीके से नोट्स को यहां पर डिजाइन किया गया है। इसके अलावा जो फीडबैक है आप अच्छे तरीके से यहां पर देख सकते हैं वीडियो को पॉज करते हुए। अब नोट्स आपको लेना कैसे है, तो नोट्स लेने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, जहां पर ऑनलाइन बाय करने का लिंक दिया गया है, वहां से आप डायरेक्ट बाय कर सकते हैं जूनियर टीचर, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के लिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे 9455287793 नंबर पर मैसेज करिएगा, बिहार शिक्षक भर्ती नोट्स पीआरटी जूनियर टीचर जिसके भी लेना होगा उसको लिख करके, तो आपको नोट्स 199 मिल जाएंगे। 199 में आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप व्हाट्सअप करिएगा, तो व्हाट्सअप पर भी कांटेक्ट करके आप मुझसे नोट्स को ले सकते हैं। और बाकी अगर डेमो चेक करना है नोट्स का तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिएगा, जहां पर डेमो का लिंक दे दिया गया है। तो आप बिना देर की नोट्स को परचेज कर लीजिए ताकि आप एक सीट यहां पर पक्की कर सकें। कम बचा हुआ नोट्स को परचेज कर लीजिएगा क्योंकि आपकी परीक्षा मात्र 25 से 26 दिनों के बाद 7 से 17 मार्च के बीच होने वाली है। आप स्क्रीन पर एक नोटिस देख पा रहे होंगे जो कि जारी की गई है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर की तरफ से और कुछ अन्य जिले थे वहां से भी जो नोटिस है। बीपीएससी टीआरई 2.0 में जो भी महिला अभ्यर्थी सेलेक्ट हुई थी जो अदर स्टेट की थी उनको यहां पर बाहर किया गया है और ये रीजन दिया गया है कि ये सीटेट में जो इनके मार्क्स हैं वो 60% से कम है, मतलब 90 अंक से कम है। जो कि अगर आप जो है किसी भी स्टेट में फार्म भरते हैं तो वहाँ पर आप सभी को बता दूं कि आप जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं। जैसे ही आप जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे वैसे ही सीटेट में आपके जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर 90 होने चाहिए। लेकिन बिहार में जो नोटिस जारी की गई है बिहार बीपीएससी की तरफ से, चाहे वो टीआरई फेज फर्स्ट हो, चाहे सेकेंड हो, चाहे थर्ड हो, उसमें साफ साफ ये कहा गया है कि 55% अंक जरूरी है महिला अभ्यर्थियों के लिए जो जनरल की महिलाएँ हैं। इस हिसाब से 82 अंक ही होता है। लेकिन टीआरई फेज फर्स्ट में कई साथी चयनित थे, उनके साथ दिक्कत नहीं हुई थी। लेकिन टीआरई जो 2.0 हुआ है इसमें जो महिलाएं सेलेक्ट हुई हैं किसी किसी जिले में उनको यहां पर बाहर किया गया है। ऐसे ही नोटिस आप देख पा रहे होंगे मुजफ्फरपुर से। यहां पर देखिए लिखा गया सीटेट नॉट क्वालिफाइड, मार्क्स लेस देन 60%। और यहां पर आप देख सकते हैं जो 4 नंबर पॉइंट में पढ़ रहा हूँ, कुमारी नेहा गुप्ता वाला। फिर देखिए यहाँ पर संगीता शंकर वाला, सीटेट नॉट क्वालिफाइड, मार्क्स लेस देन 60% ड्यू टू अदर स्टेट। तो ये यहाँ पर चीज़ें स्पष्ट की गई हैं। कुल मिलाकर के टीआरई फेज फर्स्ट में जो महिलाएं सेलेक्ट हुई थी वो 82 से ज़्यादा जिनके अंक थे और 90 से कम थे वो बिल्कुल यहाँ पर ज्वाइन लेटर ले चुकी थी, वो सेलेक्ट हैं, वो टीचिंग भी कर रही हैं। मुझे नहीं लगता है कहीं कोई उनको दिक्कत है। लेकिन फेज सेकंड जो शिक्षक भर्ती इसमें दिक्कतें यहाँ पर किसी किसी जो है जनपद में हुई हैं। फिलहाल फेज थर्ड में अगर आपके 90 से कम मार्क्स हैं और 82 से ज़्यादा हैं तो मैं फिर यही कहूँगा कि आप फार्म भरिएगा, बाकी जो भी चीज़ें होंगी बाद में देखी जाएंगी। कुछ जिलों से बाहर की गई हैं महिलाएँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सभी जिलों से ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो अभी फिलहाल नोटिस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा अगर आप लोग कोर्ट का रुख करते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं कोर्ट का रुख करते हैं तो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में साफ साफ लिखा गया है जनरल की महिलाओं के लिए 55% अंक जरूरी हैं। इस हिसाब से मात्र 82 ही अंक होते हैं सीरेट के, अगर हम कैलकुलेट करें मार्क्स को। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, ये नोटिस निकल रही है जो भी महिलाएं, मुझे नहीं लग रहा है कि अगर इस 82 से ज़्यादा होंगे और 89 से कम 90 से कम होंगी वो जरूर मुझे लगता है कि महिलाएं कोर्ट का रुख कर चुकी होंगी, कोर्ट पहुंच चुकी होंगी। तो ऐसे में इन सभी को जो है फिर से लिया जाएगा नौकरी में, कहीं कोई इससे दिक्कत नहीं होगी। जो कि जो चीज़ें होती हैं वो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर सेट की जाती हैं। तो आप लोग परेशान बिल्कुल ना हो, मेरा यही सजेशन रहेगा कि अगर आपके मार्क्स 90 से कम हैं, अगर आप एक फीमेल हैं अदर स्टेट के हैं, तो आप फार्म भरिएगा।
और 82 से ज़्यादा है तभी फॉर्म भरिएगा, 82 से ज़्यादा है, 90 से कम है तो बिल्कुल आप फॉर्म भरिए, कोई दिक्कत अगर होती है तो आप लोग सेलेक्ट हो जाते हैं तो कोर्ट का रुख कर सकते हैं, चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी और आपको जॉब मिल जाएगी, मुझे नहीं लगता कहीं से कोई दिक्कत होगी। और बाकी आपकी मर्जी है कि फॉर्म भरना है या नहीं भरना है, चूँकि समय बहुत कम बचा है, 23 फरवरी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, और लेट फीस के साथ आप 25 फरवरी तक फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने वाली वीडियो मैंने बना दिया है, बिहार शिक्षक भर्ती के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर उपलब्ध है। तो मैं फिर कहूँगा कि आप फॉर्म भरिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बाकी जो भी चीज़ें होंगी वो सब बात की बात है। फिलहाल फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।